हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर हमने पूरी तरह पूरा कंप्लीट कर लिया था। हर एक एक टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जिसके पूरे लेक्चर सब अपलोड हो चुके हैं, पूरे वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर। और अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, और कुछ डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो फिर क्यों, तो आज का ये जो वीडियो है वो पूरे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम पैटर्न में आते हैं उसके लिए है। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसपे कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये असर्शन रीजनिंग क्या होता है यही पता नहीं होता, और फिर उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेन पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रीड कीजिए, फिर उसके ऑप्शंस को देखिए। अब आप ये सोचिए कि जो वो क्वेश्चन आया है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या आपको वो टॉपिक पता है? अगर वो पता है तो तुरंत रिकॉल हो जाएगा वो कि ये ऐसा होता है, ये इससे रिएक्ट करता है तो ये बनता है। तो वहां देखिए कि वहां पे बन क्या रहा है या क्या आपसे पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो अगर आपने वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, तो आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए आप उसे बहुत बिल्कुल सही सही आंसर देंगे उसका। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज। तो यहाँ चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इन चार स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक, वो आंसर आपको पहले से दे दिया हुआ है, बट आपको ये खुद ही बताना होगा कि एग्जाम में तो आपके सामने आंसर नहीं होगा ना, तो ये सोचिएगा कि ये ऐसा आंसर सही है तो क्यों। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, दे हैव सोर टेस्ट, यस एसिड हैज सोर टेस्ट। दे मे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, यस ऑब्वियसली दे चेंज द कलर इन कलर ऑफ इंडिकेटर। दे चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, हाँ ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। डी दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यस और नॉट। दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, नो दे डोंट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि वो रेड कलर का लिटमस है तो उस पर आप एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का ही रहेगा, वो ब्लू में चेंज नहीं होगा। अगर रेड टू ब्लू हो गया मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ए बी एंड सी आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन इज डी। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल चेंज, एसिड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, no effect on red litmus, तो hence statement D is incorrect। okay clear, ये clear हो गया आपको, चलिए ये समझ भी आ गया। अब next question देखिए, when aqueous sodium carbonate Na2CO3 reacts with HCl it gives, okay तो क्या क्या दे रहा है option में आपको, sodium हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इतने सारे सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं। व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स। तो यहां पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किससे रिएक्ट कराना है हमें, सोडियम कार्बोनेट से। ओके तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमने ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इस फॉर्म, क्या क्या फॉर्म होता है वहां पर, वहां पर फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, तो यहाँ पर टू ले लीजिए, तो ये सॉल्ट क्या बनेगा, ये Na2 और यहाँ का Cl, तो ये बन जाएगा 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस वाटर। ये हमने देखा था इक्वेशन, ये जो टॉपिक है हमने पढ़ा था, और फिर हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास किया था, तो लाइम वाटर फिर मिल्की हो गया था, जिससे प्रूफ हो गया था कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी, तो सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड। ओके क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट है
Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? तो आपके पास देखिए कौन कौन सा एसिड दिया गया है. सबसे वाटर दिया हुआ है, वाटर गिवन है आपको, और क्या दिया है, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड गिवन है. नेक्स्ट क्या है आपके पास, और कौन सा एसिड दिया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो ये तीन आपको दिए हुए हैं सब्सटेंस, और उनको आपको किसमें करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये तीन आपको केमिकल्स दिए हुए हैं, इन तीनों केमिकल्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है. ठीक, तो यहाँ देखिए HCl, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले कम आएगा, सबसे जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा उसे आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसका उससे ज्यादा होगा फिर सबसे ज्यादा. तो यहाँ पर ये तो तीन दिए हुए, तीन केमिकल्स, तो हमें तो पता है कि HCl जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये HCl क्या हो जाएगा, सबसे आगे रहेगा. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपको पता है. फिर यहाँ देखिए एसिटिक एसिड और वाटर दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि वाटर कैसा होता है, वाटर का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. और एसिटिक एसिड, तो ये जो एसिटिक एसिड होता है वो मैंने आपको बताया था वीक एसिड है. क्यों वीक एसिड है, क्योंकि जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शियली आयोनाइज होता है. ओके, तो ये क्या है, वीक एसिड. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा, ये H2O, ये न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक नेचर है ना ही बेसिक. ठीक, उससे ज्यादा किसका है, एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, और HCl का सबसे ज्यादा. ठीक, तो यहाँ देखिए किसमें कौन सा राइट दिया हुआ है, सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ दो ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया. फिर एसिटिक एसिड है, ओके, तो यहाँ एसिटिक एसिड दिया, यहाँ वाटर दिया, तो ये हमारे हमने जिसे अरेंज किया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, फर्स्ट वाला एसिडिक एंड देन वाटर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, ये हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, वाटर टू एसिड फॉलोड बाय अ बेस, बेस टू एसिड फॉलोड बाय अ कोल्ड वाटर. ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो आपको कंसेंट्रेटेड जो H2SO4 है, मीन्स कंसेंट्रेटेड एसिड है, उसको आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है. डाइल्यूट करना है मीन्स उसमें जो एसिड है उसमें H+ आयन का कंसेंट्रेशन को कम करना है. वो कब कम होगा, जब उसमें आप वाटर ऐड करेंगे. तो ये ऐड कैसे किया जाता है, तो ये आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो कभी भी हम एसिड में वाटर नहीं डालते. ठीक, हम क्या करते हैं, पहले वाटर लेते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं. क्योंकि अगर आपने एसिड में वाटर डाला तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत तेज वहां पर एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो आप कभी भी किसी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे. ठीक, आप क्या करेंगे, पहले यहाँ वाटर ले लेंगे और उसके बाद उसमें क्या डालते जाएंगे, एसिड डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्टिर करते जाएंगे. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपको डाइल्यूट करना है, तो वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एसिड है उसमें वाटर को ऐड करते जाओ, वाटर टू एसिड. तो वाटर टू एसिड नहीं करना है हमको, क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एसिड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, हाँ, एसिड टू वॉटर, तो वॉटर है यहाँ, ये वॉटर एसिड को डालते जाएंगे आप यहाँ पर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा. वॉटर टू एसिड फॉलोड बाय अ बेस, नो, क्योंकि अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है आपको न्यूट्रल थोड़ी ना करना है कि जो आप उसमें बेस डालेंगे. फिर बेस टू एसिड फॉलोड बाय द कोल्ड वाटर, नो, क्यों हम बेस डालेंगे भाई वहां पर, हमें तो डाइल्यूटेड एसिड चाहिए ना, तो वहां बेस डालने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही रहोगे,
ये दो ऑप्शंस में हमें डाउट था कि हम वाटर टू एसिड कि एसिड टू वाटर, ठीक। तो एसिड टू वाटर, वाटर में आप एसिड डालेंगे, ठीक। कभी भी आप जब इसमें डाइल्यूशन करेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11 12 में, तो वहां पर डाइल्यूशन प्रोसेस होता है प्रैक्टिकल में। तो डाइल्यूशन में आप हमेशा क्या करेंगे, पहले वाटर लेंगे, उसमें एसिड डालते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्लियर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, एसिड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्पिल हो रहा जा रहा है, एक्सीडेंटली उसके हाथ के ऊपर गिर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वॉश द हैंड विथ सलाइन सॉल्यूशन, सेकेंड है वॉश द हैंड इमिडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3 इज द माइल्ड बेस। नेक्स्ट है आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है वीक बेस। नेक्स्ट न्यूट्रलाइज द एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो आप क्या करेंगे इन चारों में से, स्ट्रॉन्ग एसिड गिरा है भाई उसके हाथ में, आप क्या करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ना, है ना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वॉश कर देंगे, आफ्टर वॉशिंग प्लेंटी ऑफ हैंड्स अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक। कभी भी हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड, जो हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, उसका हाथ और जल जाएगा वहां पर, एसिड से तो जला ही हुआ है उसका हाथ, जिसके भी हाथ में गिरा होगा एसिड से तो वो वहां पर उसका हाथ जल गया ना, तो ये तो अब और डाल देंगे तो वो तो और कोरोसिव नेचर का है और उसको हार्म हो जाएगा, नहीं करना है ये। तो हमें क्या करना का पहले रहता है, वॉश द हैंड इमिडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड बेस, ठीक। तो सबसे पहले आप उसके हैंड को वॉश कर देंगे अच्छे से, उसके बाद जो थोड़ा उससे कुछ एसिड रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत एसिड उसके हाथ में बचा होगा उसमें आप माइल्ड बेस डाल देंगे तो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक। तो क्या करना है हमें, वॉश द हैंड इमिडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी नहीं लगेंगे, वो कोरोसिव नेचर का होता है, ओके। तो आप क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस यूज करेंगे, क्लियर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम सॉल्यूशन, लाइम सॉल्यूशन मींस लाइम वाटर, फॉर्मूला क्या होता है लाइम वाटर का, क्या होता है फॉर्मूला लाइम वाटर का, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जैसे ये कॉमन नेम इसको लाइम वाटर बोलते हैं, तो उसका आप केमिकल नेम और उसके फॉर्मूला भी आप अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक, कि लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इट्स ऑब्जर्व्ड दैट, फिर से पढ़ते हैं, ऑन प्रोलॉन्ग्ड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम सॉल्यूशन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लाइम सॉल्यूशन चेंजेस टू गैसियस स्टेट होता, द मिल्कनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर्स, द कलर ऑफ लाइम वाटर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेड, नेक्स्ट द कलर ऑफ लाइम वाटर बिकम्स ब्लैक। तो इसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पर वो प्रोलॉन्ग्ड बोल रहा है, मतलब बहुत लंबे समय तक। तो जब आप इनिशियली आप क्या करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिएक्ट करके क्या बना लेता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक। ये जब थोड़ा सा वहां पे तुरंत वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और तुरंत वहां पे उससे रिएक्शन हुआ। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर वो वहां प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, और फिर अगर आप बहुत देर तक सप्लाई करेंगे तो ये जो बने हुआ प्रोडक्ट है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और इसकी वजह से यहाँ क्या आती है, सॉल्यूशन में मिल्कीनेस आ जाती है, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाता है,
मिल्की नेस हो जाता है, मतलब आपको मिल्की दिखने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है उसकी वजह से, बट वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और आप और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से मिल्कनेस, जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक, क्लियर? एक मिनट, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। यहां पर ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, और इसकी वजह से ही जो क्या होता है, मिल्कीनेस जो होता है डिसअपीयर्स। ठीक, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिस ऑप्शन बी। तो लाइम सॉल्यूशन चेंजेस टू गैसियस स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां पर, नो। फिर नेक्स्ट ईयर कलर ऑफ लाइम वाटर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेड, ऐसा भी कुछ नहीं होता वहां। हमने किस टॉपिक में पढ़ा था, जो भी हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना, कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, याद कीजिए, वहां हमने एक्टिविटी भी की थी, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो गैस निकली थी उसे किससे डाला गया था, लाइम वाटर में डाला गया था, फिर वो मिल्की हो गया था, जिससे हमें पता चला था कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक, और उसमें भी वहां पे मैंने बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत लंबे टाइम तक हम डालते जाएंगे उसमें, तो वहां रिएक्शन होते जाएगा और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक, तो आप रिएक्शन नोट कर लीजिए ताकि आपके में रहेगा, क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भैया, लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा अभी तो लिखा था हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O. The nature of calcium carbonate is acidic, basic, neutral or all are the possibles. तो यहां पर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट किस नेचर का है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट बना किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है, जिसमें ये कैल्शियम और यहाँ पर कार्बोनेट, तो ये कैसा होता है, Ca2 पॉजिटिव और CO3 टू निगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट कहां से आता है, बेस से आता है, किस बेस से आया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कार्बोनेट है, कार्बोनेट मींस कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, और ये कैसा है, वीक एसिड। तो यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। ये तो आपने सॉल्ट को देख के पहचाना कि कैल्शियम कार्बोनेट किस नेचर का होगा। यहाँ पर भी देखिए किससे बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप जानते ही हैं कि बेस है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये भी हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना ले रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, तो ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कैसा होगा, और ये वीक है, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा ऑब्वियसली, तो इसकी नेचर क्या हो गई, बेसिक। क्लियर, नोट कर लीजिए आप, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ओके, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ओके, ये ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक मीन्स दोज एलिमेंट्स विच रिएक्ट्स एसिड एज वेल एज बेस, जो एम्फोटेरिक मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, और उनके ऑक्साइड्स भी, फिर जो उनसे ऑक्साइड्स बनेगा वो भी एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। क्लियर, तो एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच रिएक्ट्स बोथ एसिड एंड बेस, दोनों एसिड और बेस
दोनों से ही रिएक्शन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट। और उनसे जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक नेचर के ही होते हैं। क्लियर? ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है वो आप चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वहां पर जब रिएक्शन आएंगे तो वहां पर ये रिएक्शन भी होंगे। ठीक, बट आपको अभी यहाँ पर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एम्फोटेरिक क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं, यहाँ टेबल देखिए, जो एलिमेंट ए है वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, और एसिड से तो कर रहा है बट बेस से नहीं कर रहा, मींस ये जो होगा वो एम्फोटेरिक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत। फिर देखिए बी, एलिमेंट बी है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो इससे जो ऑक्साइड बनेगा, जो भी ऑक्साइड बनेगा इससे, वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक नेचर का, मींस वो एसिड और बेस, उसके एलिमेंट तो कर ही रहा है रिएक्शन एसिड और बेस से, तो इससे ऑक्साइड बनने वाला है वो भी एसिड और बेस से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है सी एलिमेंट, तो ये एसिड से नहीं कर, एसिड से कर रहा है बेस से नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं। डी, ये एसिड से रिएक्ट हो रहा है बट बेस से, बेस से भी हो रहा है रिएक्ट, सॉरी, तो दोनों से रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो बी और डी है वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहले में ए और डी दिया है, तो ए तो नहीं है, डी कर रहा है, तो ये तो गलत। फिर सी देखिए, ए और सी, तो सी भी नहीं है। बी देखिए, बी और डी, तो बी और डी, हाँ ये दोनों कर रहे हैं। लास्ट क्या था, बी और सी, तो बी और सी नहीं, तो ये राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी और डी। तो यहाँ देखिए बी और ये डी, ये जो दोनों ही एलिमेंट्स हैं एसिड और एज वेल एज बेस दोनों से ही रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट, दिस सॉल्यूशन इज ऑफ। तो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर याद है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर याद है कि न्यूट्रल में कैसा कलर होता है, एसिडिक साइड पर जब हम जाते हैं तो एसिडिक पीएच होता है, मींस लेस देन 7 होता है पीएच, तो कलर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, और फिर बेसिक साइड पर किस टाइप के कलर्स होते हैं, तो बीच में मतलब न्यूट्रल पोजीशन पर कलर कौन सा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ग्रीन कलर होता है। ओके, ये अगर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का होगा, और इस साइड मतलब हम लोग जो बेसिक साइड जाएंगे, तो बेस तरफ जाएंगे तो कैसा कलर होता है, ब्लूश, ब्लू के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, पेल ब्लू। ठीक, और अगर हम लोग इधर लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो कौन से कलर आते जाते हैं, येलो, ऑरेंज, फिर पिंक, फिर लास्ट में रेड रहता है। ओके, मतलब इधर इधर रेडिश के तरफ वो मूव होते चले जाता है। ओके, ये आप इसे याद, ऐसा ये इधर से विबग्योर के फॉर्म में आता है, यहाँ पे वॉयलेट, उधर पे रेड, तो ये विबग्योर के फॉर्म में भी रहता है। ओके, तो इससे आप उसको ध्यान में रख सकते हैं कि वॉयलेट साइड जो है वो बेसिक और रेड साइड जो है वो ग्रीन। तो यहाँ सॉल्यूशन गिव्स येलो ऑरेंज कलर, तो येलोइश ऑरेंज है मीन्स वो किस नेचर का होगा, किस नेचर का होगा, वो होगा एसिडिक नेचर का। क्यों? क्योंकि ये जो येलो ऑरेंज कलर है वो किस साइड आ रहा है, न्यूट्रल के लेफ्ट साइड पे, मींस पीएच कैसी है इनकी, पीएच इनकी है लेस देन 7, और पीएच जब लेस देन 7 होता है तो वो कौन सा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। ठीक, तो दिस सॉल्यूशन इज ऑफ, तो आपके पास चार ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा ये, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, ये तो बेस होता है क्या, हमने देखा था पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ाते था, मैंने बताया था आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस, तो ये तो नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका तो कहां ब्लू कलर आएगा ना, तो ये भी रॉन्ग। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है, तो सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है, तो इसका कलर कैसा आना चाहिए, ग्रीन। ओके, तो बचा कौन सा, लेमन जूस, और लेमन जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। ओके, तो सिट्रिक एसिड की वजह से यहाँ पर जो कलर है वो कैसा आ रहा है, ऑरेंज और येलो कलर। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए आप कैसा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तो लिटमस पेपर, नो, लिटमस पेपर हम नहीं यूज कर सकते, टर्मरिक, नो,
वेनिला एसेंस और पिटूनिया लीव्स. तो हम वेनिला एसेंस यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो वेनिला एसेंस होगा वो वेनिला एसेंस जब एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा, जिससे कि वो जो इम्पैटेड स्टूडेंट होगा वो उसको ईजिली फील कर पाएगा और वो पहचान जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है. और बेसिक सॉल्यूशन में ये जो वेनिला एसेंस होता है उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर नहीं होते. तो यहाँ पर हम जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं उसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? वेनिला एसेंस यूज कर सकते हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन पिंक. ओके, एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन पिंक ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए. द पिंक कलर डिसअपीयर्स. The following statement is true for the solution A and solution B. Okay, तो aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink. Okay, तो phenolphthalein के solution को pink हो रहा है. तो phenolphthalein जो है वो pink color कब दिखता है, pink color कब show करता है? जब solution basic nature का होता है. Okay, तो A जो होगा वो कैसा होगा? Basic होगा. ठीक, फिर क्या दिया है? ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपीयर्स. ठीक, एक्वस सॉल्यूशन जो पिंक कलर का हो गया था वहां पर ए, उसमें आपने क्या डाल दिया? बी डाल दिया. ओके, तो बी डालने से जो पिंक कलर था वो डिसअपीयर हो गया. तो जो फिनोल्फथेलिन है वो कलरलेस कब हो जाता है? एसिडिक सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन जो है एसिडिक होता है तब फिनोल्फथेलिन कलरलेस हो जाता है. तो बी कैसा है नेचर का है? एसिडिक नेचर का. तो आप ऑप्शन देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी. तो ए इज स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड बी इज वीक बेसिक. दोनों ही बेस बेस कैसे हो सकते हैं? अगर बेस होता तो यहाँ पर कलर डिसअपीयर नहीं होता. तो ये ऑप्शन रॉन्ग. ए इज स्ट्रॉन्गली एसिड एंड बी इज वीक एसिड. दोनों एसिड एसिड भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एसिड होता तो वहां कलर हमें शो ही नहीं करता. तो ये भी रॉन्ग. ए हैज pH greater than 7 and B has pH less than 7. Okay, greater than 7 means, greater than 7 means ये किस नेचर का बोल रहे हैं यहाँ पर? Basic. और less than, B has pH less than 7. तो less than 7 means acidic nature का. ठीक, और last option क्या? A has pH less than 7, मतलब A को क्या बोल रहा है वो? Acid. एंड बी हैज पी एच ग्रेटर देन 7. तो बी का पी एच हो ग्रेटर देन 7, मतलब बेसिक नेचर का. तो हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने जो आंसर निकाला वो कैसा था? ए जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है एंड बी इज एसिडिक सॉल्यूशन. तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा हमारे आंसर जैसा है? ये ए हैज अ ग्रेटर देन 7 पी एच, मीन्स बेस होगा वहां पे, एंड बी हैज अ पी एच लेस देन 7. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है. इफ 10 ml ऑफ H2SO4, यहां पर H2SO4, इफ 10 ml ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ MgOH होल ट्वाइस ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल गिव द फॉलोइंग कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर. ओके, तो यहां पर ये H2SO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस. ओके, तो यहां पर देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये हमारा एसिड हो गया एंड दिस इज बेस. और ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट बनने वाला है और वाटर निकलेगा. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कौन सा कलर शो करेंगे? रेड. रेड कब का होता है शो? जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तब. येलो. येलो कब शो होता है? वीक एसिड के केस में. ब्लू बेस होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है उस केस में जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है. ग्रीन. ग्रीन कब होता है? न्यूट्रल.
जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो उस केस में तो सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है जी, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, सो द कलर गिव्स ग्रीन कलर, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग नेचर के. तो स्ट्रॉन्ग है मीन्स वो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. MgSO4 प्लस क्या बनेगा, 2H2. ठीक, ये जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसा होगा, वो सॉल्ट होगा हमारा न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है. और हमने जब पीएच ऑफ सॉल्ट देखा था तो वहां पे हमने देखा था कि जब सॉल्ट जो सॉरी एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं दोनों तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो बेसिक बिहेवियर शो करता है. बट यहाँ पर जो दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो हमारा सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. और न्यूट्रल जब कोई सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए पीएच सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर शो करता है, ग्रीन कलर. तो ये ग्रीन कलर यहाँ पर उस सॉल्यूशन का शो होगा. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, एंड द नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज कैल्शियम फॉस्फेट. तो कैल्शियम फॉस्फेट का तो सबसे पहले आप केमिकल फॉर्मूला ही लिखिए. कैल्शियम कितना चार्ज होता है इस पर, 2 पॉजिटिव. फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4 3 निगेटिव. यहां पर 2 चार्ज है तो यहां पर नीचे 2, यहां पर 3 माइनस चार्ज है तो नीचे पर 3. ठीक, अब क्या करते हैं हम, क्रिस क्रॉस. तो ये कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3, और जब फॉस्फेट कितना, पूरा एक मॉलिक्यूल है फॉस्फेट का, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स है यहाँ पर. तो इसको पूरा क्या करेंगे, वैसे ब्रैकेट लगाकर हम लिखेंगे. तो ये होता है फॉर्मूला CA3PO4 2. ठीक, तो ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है, उस कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया. अब ये कैल्शियम फॉस्फेट जो यहाँ पर बना हुआ है वो किस नेचर का होता है ये पूछ रहा है हमसे. ठीक, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज नेचर एसिड बेसिक न्यूट्रल एसिडिक एम्फोटेरिक. किस नेचर का होगा, ये बना किससे होगा, सबसे पहले देखिए कैल्शियम इसका जो है पॉजिटिव पार्ट है तो वो किससे बना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. प्लस एसिड कौन सा हुआ, यूज हुआ होगा, H3PO4. ठीक, एसिड कौन सा यूज हुआ यहां पर, फॉस्फोरिक एसिड. तो ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो वीक होता है, ठीक, वीक एसिड होता है. इससे क्या बना होगा हमारे पास, कैल्शियम फॉस्फेट PO4 whole twice plus H2O 3H2O. रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर. तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट देख लीजिए कि ये क्या बन रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट बन रहा है. तो किससे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है. तो यहाँ पर ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का. ये क्लियर हो गया आपको, ये क्वेश्चन बहुत समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें तो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं. द ग्राफ ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस एल्कली गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड ऑन टू ऑन एन अल्कली. ओके, तो अल्कली सॉल्यूशन दिया हुआ है. विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि द ग्राफ गिवन बिलो, आपको ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में, ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि अल्कली सॉल्यूशन है, उस अल्कली सॉल्यूशन में आप एसिड ऐड करते जा रहे हैं. ओके, तो एसिड ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ पर पीएच चेंज होते जा रहा है उस सॉल्यूशन का, और इनमें से
किस एरिया पे से हमको पता चल रहा है कि जहां सॉल्ट और एसिड दोनों ही प्रेजेंट होंगे. क्लियर? तो ये देखते हैं ए, और इसमें ऑप्शंस दिए कि ए पर, बी, सी एंड डी. तो यहाँ सबसे पहले हम ग्राफ को ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं. तो जब इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर टोटली पीएच कितना है, 14 है, मींस वहां पर पूरा बेस प्रेजेंट है. अब आपने कुछ अमाउंट में इधर आगे बढ़ते गए, मतलब यहाँ पर एसिड ऐड करना शुरू किया, तो बेस और एसिड हम ऐड करेंगे तो वहां पर क्या होते जाएगा, एसिड में, सॉरी सॉल्ट में चेंज होते जाएगा. तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इस एरिया पे, इस एरिया पर हम प्रेजेंट होगा यहाँ पर सॉल्ट प्लस बेस. ठीक, ये कहां तक प्रेजेंट होगा, जब तक कि पीएच कितना न्यूट्रल. ठीक, न्यूट्रल पीएच, वहां पर सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट होगा. ओके, तो सॉल्ट और बेस पूरे इस ए, बी और सी एरिया में, वहां पर, यहाँ सी भी देखिए इस न्यूट्रल पॉइंट के थोड़ा ऊपर है, तो वहां पर भी कौन प्रेजेंट होगा, सॉल्ट प्लस बेस. क्योंकि आप बेस में, मींस अल्कली में, जितना एसिड ऐड करते जाएंगे तो वहां पर एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे, और जो बहुत, और जो कुछ बेस होगा वो कुछ अमाउंट में वहां पर लेफ्ट रहेगा. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. उसके बाद भी जब आप एसिड ऐड करते रहेंगे तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का, क्योंकि वहां पर एच प्लस आयन भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक, और फिर वहां पर कुछ अमाउंट में सॉल्ट भी रहेगा. तो ये इधर का जो एरिया है, ये डी साइड वाला जो एरिया है, इस एरिया पर एसिड और जो सॉल्ट है वो दोनों ही प्रेजेंट होंगे. तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट when added to acetic acid evolves a gas. Okay, which of the following statement are true about the gas evolved? Okay, sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid. Okay, sodium hydrogen carbonate लिख लेते हैं, sodium hydrogen carbonate when sodium added to एसिटिक एसिड, मतलब एसिड से रिएक्शन हो रहा था, एसिड का हम एच प्लस यूज कर लेते हैं, एसिड से, क्योंकि हमें एच प्लस ही मिलता है, या आप पूरा लिख सकते हैं एसिटिक एसिड. ठीक, इवॉल्व्स अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व. ओके, तो ये आपको याद होगा कि जब मैंने बेकिंग सोडा पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि बेकिंग सोडा और जो एसिड रिएक्ट करके क्या, कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व होता है. ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व होता है. और तो गैस का नेचर ये तो पता चल गया कि गैस कौन सी है. अब उस गैस के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है देखते हैं. इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, येस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया था. इट एक्सटिंग्यूशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, येस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह वर्क करती है, क्योंकि ये नॉन कम्बस्टाइल नेचर की होती है. इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाती है कि नहीं, तो हाँ ये होता है रिएक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और इसका जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, उसमें डिजोल्व करते हैं, तो ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इस गैस को. ठीक, तो ये भी रिएक्शन होता है. इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, नो, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता. ठीक है, इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होता. तो 1, 2 और 3 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है. तो देख लेते हैं 1 और 2, बी में 1, 2, 3, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. क्लियर, ये देखा आपने कि हम उसे पहचानते कैसे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा सही गलत होगा. ये हमें तब पता चलता है कि जब हम पूरे जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से, उसका लाइन बाय लाइन हर जो टॉपिक दिया है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे हम, तब हम उसको, जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको हम सॉल्व कर पाते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, तो बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ अ प्लेंटी ऑफ वाटर, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर
reason for his observation. Soap is acidic in nature. Soap is basic in nature. Turmeric is a neutral indicator which gives a reddish tinge in a base. Turmeric is a neutral natural indicator which gives reddish sting acids. तो ऑप्शन कौन कौन सा इनमें से करेक्ट है, ये फर्स्ट, सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, दिस। तो विनय के शर्ट पर क्या गिर गया भाई? करी गिर गया। ठीक है, करी में टर्मरिक प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, वहां पर सब्जियों में तो हल्दी डलती ही ना, तो टर्मरिक वहां पर प्रेजेंट होगा। और टर्मरिक कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, तो ये तो पता चल गया कि टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर वाला इन दोनों में से एक सही होगा। तो नेचुरल इंडिकेटर, फिर क्या बोल रहा है? टी शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड। तो सोप किस नेचर का होता है? मैंने आपको बताया था कि सोप किससे बना हुआ होता है? बेस से बना हुआ होता है। तो सोप का नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा वहां पर। तो सोप इज बेसिक इन नेचर, ये तो करेक्ट हो गया। और जब टर्मरिक टर्मरिक सोप से रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रेडिश ब्राउन दे रहा है, इसका मतलब ही यही है कि जो वो सोप है वो बेसिक नेचर का है। ठीक, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर उसने यहाँ पे हिंट दिया, उस से ही हमें समझ आ गया था कि वो जो रेडिश ब्राउन कलर जो वो टर्मरिक कब देता है? बेस होता है, जब किसी सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट होता है उस कंडीशन पर जो टर्मरिक है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है। तो यहाँ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। तो सेकंड और थर्ड किसमें? बी में। क्लियर। नेक्स्ट है, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर and allowed to settle. The clear superreactant solution turns the pH paper yellowish orange. Okay. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? Lemon juice, vinegar, common salt and antacids. So यहाँ पर देखिए कि वो जो superreactant solution था, वो superreactant solution से color कैसा हो गया? Yellowish orange. तो येलोइश ऑरेंज हो गया। तो मैंने अभी बताया था कि येलोइश ऑरेंज अगर कलर आता है तो वो किस नेचर का हो जाता है? एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। तो वहां पर अभी जो पीएच पेपर का कलर है वो कैसा है? एसिडिक एरिया में आपको ग्रीनिश ब्लू करना है। ग्रीनिश ब्लू करना है तो वहां पर क्या डालना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा। ठीक, तो वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस जो भी प्रेजेंट है इनमें से देखते हैं। लेमन जूस तो खुद एसिडिक इन नेचर होता है। विनेगर इज ऑल्सो एसिडिक क्योंकि उसमें भी एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। कॉमन सॉल्ट वो तो न्यूट्रल होता है। बचा कौन? एन एंटा एसिड इज वीक बेस। तो जब आप उसमें एंटा एसिड डालेंगे जो कि वीक बेस होता है, तो वहां पर जो कलर होगा उस पेपर का वो ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराया वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे राइट ऑप्शन को हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ हम करेंगे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस। थैंक यू।